पहले उसका जवाब दो। अब जल्दी करनी पड़ेगी। दोस्तों यह है परिणीति शिंदे और सूत्र बता रहे हैं इन्हीं से नवंबर में राहुल गांधी की शादी होने वाली है। जी हां, सही सुना आपने, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शादी करने जा रहे हैं। अक्सर राहुल गांधी के समर्थक हो या मीडिया कर्मी, हमेशा राहुल गांधी के शादी करने को सवाल करते नजर आते रहते थे कि राहुल गांधी शादी कब करेंगे। उसका जवाब दो, सवाल क्या है भाई, अब जल्दी करनी पड़ेगी। ऐसे में आपको बता दें, शायद वह इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। नवंबर या दिसंबर महीना हो सकता है जब राहुल गांधी के सर पर सहरा बांधा जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है परिणीति शिंदे, जिनकी शादी की चर्चा राहुल गांधी से हो रही है। 54 साल के राहुल गांधी नामांकन के दौरान एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तो उनसे सवाल पूछा गया कि आप शादी कब करेंगे, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि अब जल्द ही करनी पड़ेगी। ऐसे में बीते कुछ महीना पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ। वीडियो में सांसद शपथ समारोह में एक महिला सांसद राहुल गांधी से हाथ मिलाते हुए नजर आई। तब से कयासों के बाजार भी गर्म हो गए और तो और महाराष्ट्र से दिल्ली तक चर्चाएं भी शुरू हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद शादी करने जा रहे हैं। बता दें कि परिणीति शिंदे गांधी परिवार की बहुत करीबी मानी जाती हैं और यही कारण है कि वह गांधी परिवार के साथ हमेशा नजर आती रहती हैं। परिणीति शिंदे का जन्म 9 दिसंबर 1980 में हुआ था। 44 साल की परिणीति शिंदे राजनीति घराने से आती हैं। उनके पिता सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। परिणीति 3 बार विधायक रह चुकी हैं और अब पहली बार महाराष्ट्र के सोलापुर से सांसद बनी हैं। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर परिणीति शिंदे ने बीजेपी के उम्मीदवार राम सातपुते को 74,157 वोटों से हरा दिया था। बता दें कि परिणीति शिंदे को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी के साथ देखा गया था। परिणीति शिंदे तब और भी ज्यादा चर्चा में आई जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के शपथ समारोह में गांधी परिवार के साथ नजर आई। इस शपथ समारोह में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ परिणीति भी दिखाई दे रही थी। यहां तक कि लोकसभा के चुनाव में भी राहुल गांधी के साथ वह नजर आई। इसके बाद वह और भी ज्यादा सुर्खियों में आने लगी। अपने से 10 साल बड़े राहुल गांधी से शादी की चर्चा में भले ही परिणीति अभी कुछ ना कह रही हूँ, मगर लोगों का कहना है कि परिणीति राहुल गांधी से शादी करना चाहती हैं और यही कारण है आज 44 साल तक परिणीति ने शादी नहीं की। बता दें कि यह खबर राजनीतिक गलियारों में बखूबी हो रही है। साल 1971 में कांग्रेस के साथ रहकर अपने कैरियर की शुरुआत करने वाली सुशील कुमार शिंदे की गांधी परिवार से नजदीकी रहे हैं और यही कारण है जब बीते लोकसभा चुनाव में परिणीति को सोलापुर लोकसभा से टिकट मिला, उसके पीछे भी कांग्रेस पार्टी के आला कमान और राहुल गांधी का हाथ माना जा रहा था। उन्होंने ही परिणीति शिंदे पर भरोसा जताया। बता दें कि साल 2009 से 2014 तक सुशील कुमार शिंदे सोलापुर से सांसद रहे, लेकिन 2014 में मोदी लहर के कारण वह अपनी परंपरागत सीट हार गए थे। हार का सिलसिला 2019 में भी कायम रहा, लेकिन इस बार सोलापुर से कांग्रेस पार्टी ने उनकी बेटी परिणीति शिंदे को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा और इस चुनाव में परिणीति ने अपनी परंपरागत सीट को हासिल भी किया। परिणीति ने सन 2001 में सेंट जेवियर्स कॉलेज से कला में डिग्री के साथ साथ में स्नातक भी किया। उन्होंने 2004 में मुंबई यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट कॉलेज में LLB की डिग्री भी हासिल की। परिणीति ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत सोलापुर से किया। महज 28 साल की उम्र में परिणीति 2009 में सोलापुर से विधायक बनी थी। इस चुनाव में परिणीति अपने निकटतम प्रतिद्वंदी CPM के
आदम नारायण को 33,000 मतों से हराया था। परिणीति का कहना है वह अपने पिता से राजनीति सीखी है और तो और पिता सुशील कुमार सिंधे को राजनीतिक संन्यास लेने के बाद वह अपने पिता के राजनीतिक विरासत को भी संभाल रही हैं। बता दें कि परिणीति एक दलित सांसद हैं और अपने भाषण के माध्यम से संसद में आरक्षण के मुद्दे को गजब का उठाती हैं। देखा जाए तो एक तरफ परिणीति सिंधे बहुत ही शांतिशील महिला है, लेकिन जब बात कांग्रेस और गांधी परिवार की आती है तब वह बेधड़क बेबाक बयान देते हुए भी नजर आती है। उन्होंने कई बार नरेंद्र मोदी, असुद्दीन ओवैसी और एनसीपी के रोहित पवार की आलोचना भी की है, मौके बेमौके राजनीतिक बयान भी दी है। कोरोना काल में लोगों के मौतों पर उन्होंने कहा था, डफली बजाने से ही देश का पतन हुआ है। कोरोना से हुई मौतों को वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताती हैं और कहती हैं कि मीडिया के सामने आने से प्रधानमंत्री डरते हैं। इस तरीके से बयान देने पर वह लोगों के बीच चर्चा में आई थी। बता दें कि परिणीति उच्च शिक्षित युवा सांसद है। परिणीति ने बहुत ही कम समय में राजनीति में अपने आप को बेहतर साबित किया। पिछले 10 सालों से परिणीति सिंधे की शादी की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। बहरहाल अपनी शादी को लेकर राहुल गांधी सिर्फ मुस्कुराते नहीं बल्कि यह कहते हुए नजर आते हैं कि वह बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू के दौरान बड़ा खुलासा किया। तब था जब उन्होंने कहा कि शादी के लिए उन्हें एक अच्छी लड़की की तलाश है, जब उन्हें सही लड़की मिल जाएगी तो वह शादी कर लेंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि उनके माता पिता की शादीशुदा जिंदगी बहुत ही खुशहाल है, इसलिए उन्हें अपनी जीवन संगनी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। और अब परिणीति सिंधे को देखने के बाद सोशल मीडिया में सुगबुगाहट तेज हो गई है कि जल्द ही राहुल गांधी और परिणीति सिंधे शादी करने वाली हैं। अब यह देखना होगा कि राहुल गांधी और परिणीति सिंधे की शादी की डेट कब अनाउंस होती है। तब तक आप लोग रीवा स्टोरी सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।